हालेलुया। सब जेम्स की मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमृत मिनिस्ट्री में। और इस बुधवार शाम को लाइव 8 बजे जरूर जुड़ें और परमेश्वर आपका जीवन मजबूत कार्य करें और आप ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का हमारा टॉपिक है कि यीशु तेरी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे। सो हमारे आज की प्रार्थना ये है कि प्रभु यीशु मसीह तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि निराश हैं, परेशान हैं, चिंताओं में हैं, मुश्किलों में हैं, बांझपन में, एक्सीडेंट में हैं, ICU में हैं, हर तरह की प्रॉब्लम में हैं, नशों में हैं और अलग अलग तरह के बंधनों में बंधे हुए हैं, क्योंकि शैतान ने उन्हें उन बंधनों में बांध रखा है। लेकिन वचन क्या कहता है कि परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, परमेश्वर तुझे फलवंत करेगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आज का हमारा टॉपिक है कि यीशु तेरी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और आपने क्या करना है, एक सच्चे मन से प्रार्थना करनी है परमेश्वर से और परमेश्वर से कहना है, लेकिन प्रेम से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रेम बहुत ज़रा ज़रूरी है। अगर आप में प्रेम नहीं तो आप व्यर्थ हैं। प्रेम में क्या बोल रहा हूँ, प्रेम ये है कि जब ये प्रार्थना करें तो परमेश्वर को ऑर्डर मत गिनाएं कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, मेरे पति कैसे नहीं हो रहा है, मेरी बेटी कैसे नहीं हो रहा है, मेरे दामाद कैसे नहीं हो रहा है, मेरे बेटे कैसे नहीं हो रहा है। मतलब कि सुनाए ना परमेश्वर को, क्योंकि वो परमेश्वर परमेश्वर है। अगर आपको उनको सुनाते भी हो तो आपको सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप ही क्या होते हो, आपका लेवल ही डाउन होता है। इसलिए आपके सुनाने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपका लेवल डाउन होता है, क्योंकि हम कुछ गलतियाँ हमारे जीवन में ऐसे कर जाते हैं, या हमने कुछ गलतियाँ की होती है, या हमारे परिवार ने गलती की होती है, या हमारे बच्चों ने गलती की होती है। ये सारी सजा कभी हमारे ऊपर आ जाती है। फिर हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं और बेटा क्या कर रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है और इधर माँ प्रार्थना कर रही है और वो संकट परिवार के ऊपर आ जाता है कई बार। और ज़रूरी नहीं कि आप प्रार्थना कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, लेकिन आप अपने परिवार के जो जो सदस्य हैं आप उनका भी सोचें, क्या वो गलत नहीं चल रहे, क्या उन्होंने कोई पाप तो नहीं किया, क्या उन्होंने कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं कर दिया है, और क्या वो उन्होंने कुछ ऐसा जो उनको नहीं करना चाहिए, क्या उन्होंने ऐसा नहीं कर लिया है। इन कारणों से भी क्या होता है, हमारे परिवार के ऊपर संकट आता है, हमारे परिवार के ऊपर मुश्किलें आ जाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम विश्वास करते हैं और एक विश्वास ये होता है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाए, हमें घर की आशीष मिल जाए, एक आप प्रार्थना कर रहे हो और एक आपका आपका बेटा प्रार्थना कर रहा है कि हमें घर की आशीष मिल जाए, एक आपकी बेटी प्रार्थना कर रही है मुझे घर की आशीष मिल जाए। देखिए, अगर आप तीनों मिलकर प्रार्थना कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और अगर आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु के नाम से हमें घर मिल जाए, और साथ जो आपका बेटा है वो अलग अलग पाप कर रहा है, और आपकी बेटी अलग पाप कर रही है, और जो आपका पति है वो अलग पाप कर रहा है, आपकी सास अलग पाप कर रही है, और आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी, मैं ये नहीं कह रही आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, लेकिन सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप देखिए, जैसे कि अगर आप अकेले हो तो आप टूट जाओगे, अगर आपके साथ 5-6 जने हैं, हम छोटे होते जैसे पढ़ते थे, एक लकड़ी को जब टूट जाती है वो टूट जाती है, अगर हम उन 10 लकड़ियों को पकड़ के रखें तो उन 10 लकड़ियों को कोई नहीं तोड़ सकता। और वही है कि हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी पावर है, कि हम जब जुड़कर रहेंगे पूरा परिवार तो शैतान हमारे पर हमला नहीं कर पाएगा। और जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, हमारी प्रार्थना के बाद नहीं सुनी जाती हैं, और हम कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनो, प्रार्थना को सुनो, परमेश्वर सब कुछ कार्य करने वाले हैं। इसलिए जब भी प्रार्थना करें बुड़बुड़ाई ना, परमेश्वर के आगे घुटनों को टेक कर प्रार्थना करें और कहें, प्रेम से प्रार्थना करें कि प्रभु जी आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अच्छा खाना दिया इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें बचा के रखा इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें हर एक संकटों से बचा के रखा इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस महान परमेश्वर की पहले स्तुति करें उसको। ये नहीं चाहिए आप प्रार्थना बैठते सिरा बोल रहे हो मेरा ये करो मेरा ये करो मेरा, नहीं, पहले परमेश्वर की हजूरी में जाएं, घुटनों को टेकें, प्रार्थना करें प्रेम के साथ, एक प्यार के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु जी ऐसा ऐसा आपने हमें आज दिन दिखाया, लाखों लोग रातों रात ही सो गए और सुबह उठ नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर आपकी कृपा है और आपने हमें खाने को दिया, पीने को दिया, और बहुत सी ऐसी बातें आप करें परमेश्वर के साथ, और बाद में अपनी बात को परमेश्वर के आगे रखें, तो कि आप फलवंत हो सकें।
प्रेम के साथ प्रार्थना करते हो, दीनता से प्रार्थना करें, नमन होकर प्रार्थना करें, अपने आप को नीचा करके प्रार्थना करें, अपने घुटनों का बल ला के प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में जीवन है। क्योंकि अगर आप चाहते हो प्रभु आपकी तेरी प्रार्थना सुने, तो प्रार्थना में क्या है, जीवन है, और प्रार्थना में शक्ति है, और प्रार्थना ही जीवन है, और जीवन ही प्रभु है। इस बात को समझे। हम कहते हैं ना कि ये नहीं वो सहारा मेरे वो सहारा, नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनका सहारा ही प्रभु यीशु मसीह है। अपने परिवार से तंग आ रखे हैं, अपने बिजनेस से तंग आ रखे हैं, अपने घर वालों से तंग आ रखे हैं, लेकिन उनका जो सहारा है वह सहारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है, और उनका कोई सहारा नहीं है। इसलिए बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारा प्रार्थना हमारा जीवन है, जीवन ही हमारी प्रार्थना है। और जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं, जब हम संकटों में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु जी हमें इन संकटों से बाहर निकालो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें संकटों से बाहर निकालो, हम प्रार्थना करते हैं हमें इन संकटों से बाहर निकालो। हालेलुया। एक चीज़ क्या करनी है हमने, कि आत्मा में भर के प्रार्थना करनी है, सुस्त प्रार्थना नहीं करनी है, एक आत्मा में भर कर, एक आग में भर कर प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी आज हम ऐसे विश्वास कर रहे हैं हमारे जीवन में ऐसा होने वाला है, प्रभु जी आज हमारे जीवन में ऐसा होने वाला है। जब यह प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपके परिवार के कारण भी आपके ऊपर दुख, आपके ऊपर संकट, आपके ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम परमेश्वर में चल रहे हैं। देखिए, अगर वही मैं बात कर रहा था बीच में, कि अगर आप तीनों एक घर के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आपको आशीष मिल जाएगी, और आप अकेले प्रार्थना कर रहे हो आपको आशीष मिलेगी, लेकिन थोड़ी वो अलग बात हो जाती है। और इसी तरह क्या है, आप अपने घर के लिए शांति मांग रहे हो और दूसरा आपके घर को बर्बाद करने में लगा हुआ है, और जो तीसरा है वो लोगों के साथ बहुत कुछ कर रहा है। तो इसलिए क्या कि आप अपने परिवार को पहले सुधारें, कहें कि प्रभु मेरा जो भाई नशा करता है, मेरा जो पति नशा करता है, और क्या करें अगर आपके परिवार में कुछ ऐसे संकट चल रहे हैं, उन संकटों को पहले सुधारें, परमेश्वर से लड़ने से पहले उन संकटों को सुधारें। हम आप ये कहते हो कि प्रभु आप कर नहीं रहे हो, 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 लेकिन आप पहले अपने परिवार के हालातों को संभाल लें, उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे भाई का जीवन बदल जाए और मेरे जीजा का जीवन बदल जाए, और इनके लिए आप प्रार्थना करो। जब ये बदलने के बाद आप परमेश्वर का कि प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु जी मेरे घर से संकट दूर करो, पहले उनको जब वो सुधर जाएं, अगर पाप में हैं, अगर वो संकटों में हैं, उसके बाद आप मिलकर प्रार्थना करें, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। मैं साफ सभा को स्पष्ट भाषा में समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह अगर हम तीन जने मिलकर आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें जल्दी आशीष मिल जाती है। जिस तरह वचन का कहता है, जहाँ दो या तीन जमा हैं मैं हूँ हाजिर उनमें। और अगर आपका परिवार पाप कर रहा है और आप प्रार्थना कर रहे हो और आपके ऊपर संकट आ रहे हैं, वो संकट किसकी वजह से आ रहे हैं, आपके परिवार के लोगों की वजह से आपके ऊपर संकट आ रहे हैं, क्योंकि आपके पाप नहीं करते, आप प्रार्थना करते हो, आप प्रार्थना करते हो, लेकिन वो भारी संकटों को वो रोक लेता है। हालेलुया। जो आपकी प्रार्थना है, जो आपके उपवास है, वो आपके ऊपर आने वाले संकटों को रोकते हैं। इसलिए आपको जरूरत है ज़्यादा प्रार्थना की, आपका जरूरत है परमेश्वर का आगे दीनता से रहने की, आपका जरूरत है परमेश्वर की आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करने की कि प्रभु इन संकटों से हमें बाहर निकालो। जिस तरह अब्राहम था, अब्राहम के ऊपर इनकी क्या प्रार्थना थी, ये क्या कर रहे थे, ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें अब संतान हो जाएगी, हमें अब संतान हो जाएगी, हमें अब संतान हो जाएगी, हमें अब संतान होगी। एक साल निकला, दो साल निकले, तीन साल निकले, चार साल निकले, पाँच साल निकले, छः साल निकले, तीस साल निकले, चालीस साल निकले, साठ साल निकले, सत्तर साल निकले, अस्सी साल निकले, इन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नब्बे साल की थी सारा, सौ साल का था अब्राहम, इनको जब संतान हुई। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति पढ़ते हो, उत्पत्ति में लिखा हुआ है 18 में कि तब यहोवा ने उसने कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है, उसने कहा वह तंबू में, उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। और वहाँ पर क्या लिखा कि अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे, और लिखा है कि इसलिए वह मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बुढ़ी हूँ और मेरा पति भी बुढ़ा है, क्या हमें सुख होगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह क्या कर क्यों हंस रही है, कि मतलब कि संतान वो इसलिए हंस रही थी वो क्योंकि वो कहती ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो नहीं सकता, हमारे बीच में ऐसे जो लोग उम्मीद हार गए हैं, वो कहते हैं अब नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता।
अब कुछ नहीं हो सकता। लोग बहुत सी मैसेज देख रहा हूँ, कहते आज मेरे पति का जीवन अब नहीं बदल सकता है, मेरा बिजनेस अब नहीं सुधर सकते हैं, मेरे घर के हालात अब नहीं बदल सकते हैं, मेरा संकट अब दूर नहीं हो सकता है, मेरे बांझपन अब नहीं टूट सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परेशान, निराश, तंग हो गए हैं और वो एक ही बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? परमेश्वर के लोग उनसे क्या कहते हैं कि तू फिर से सुख देखने पाएगी, तू निश्चय सुख देखने पाएगी, तू निश्चय सुख देखने पाएगा। हालेलुया। और वचन भी ये कहता है कि वो हैरान होगी, वो हंसने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो बुढ़े हो गए हैं। इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं भी कभी माँ बनूंगी, लेकिन परमेश्वर ने इसके पुत्र उत्पन्न किया, वो भी लड़का। हालेलुया। और ये ब्लेस्ड हुई। हमारी भी कई बार ऐसी सोच होती है, हम कहते हैं नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ता है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे बंधन से हमें आज़ाद करता है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बंधनों को तोड़ते हैं। लेकिन प्रार्थना आप कैसे करें? अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना करें, एक दीनता से, एक प्रेम से परमेश्वर के आगे झुकें, रोएं और बिलक बिलक कर रोएं और कहें हन्ना की तरह के प्रभु मेरे जरूरतों को पूरा करो, और यीशु सच में तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर योना की तरह आज्ञा देते हैं तो बेटा ये कर, वो कहते नहीं नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा। बहुत से लोगों को दर्शन भी होते हैं कि तुम ऐसा करो, कहते नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, फिर वहीं को वहीं रह जाते हैं। इसलिए अपने आप को आप लोग तैयार रखें, अपने आप को आप फलवंत रखें और कहें कि प्रभु जी आपका अनुग्रह हम पर रहे, प्रभु आपकी ब्लेसिंग हम पर रहे, प्रभु आपका अभिषेक हम पर रहे, प्रभु आपका अनुग्रह हम पर रहे, प्रभु जी आपका नूर हम पर रहे, प्रभु जी आपकी कृपा हम पर रहे। जब भी प्रार्थना करोगे परमेश्वर के आगे और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तभी मैंने कहा कि यीशु तेरी प्रार्थना सुनेगा। जो वो लोग आज उम्मीद हार चुके हैं वो अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिस तरह सारा उम्मीद हार चुकी थी, जिस तरह अब्राहम ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो उम्मीद हार चुके थे मेरे पिता, आपने उन्हें फिर से खड़ा किया, उनके घर में, उनके परिवार में आपने फिर से खुशियां दी मेरे पिता, इनका बिजनेस ठप हो रखा है मेरे पिता प्रभु जी, इनका बिजनेस में बढ़ोतरी होने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हालात ठप हो रखे हैं, जो ये कहते हैं कि अब नहीं सुधरने वाले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हालात सुधरने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। जो लोग ये कहते हैं कि हम हार चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें एक नया बल, एक सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग अपनी बीमारी से तंग आ गए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें छुटकारा मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर आपके आगे विनती करते हैं कि प्रभु मेरी कृपा को सुनो, मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरी विनती को सुनो मेरे पिता, तो उनके बीच मजबूत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और ये लोग आपकी प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब ये प्रार्थना करें मेरे पिता तो आपकी आवाज़ को सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और ब्लास्ट होने पाए, या आशीष होने पाए, आपका नूर, आपकी कृपा इनके ऊपर होने पाए मेरे पिता। देखने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनकी जो भी प्रार्थना निवेदन है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप जानते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उन प्रार्थना निवेदन को सुन लो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उन प्रार्थना निवेदन को सुन लो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उन प्रार्थनाएं निवेदन को सुन लो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से ये ब्लास्ट हो जाएं, आपके नाम से ये आशीष हो जाएं, आपके नाम से ये ब्लास्ट हो जाएं मेरे पिता, इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता। रावा सल्ला खर रवा नमारी बिस्से लिखी रिबी नमराजों का राजा प्रभु प्रभु मेरे पिता, जो अपने घुटनों के टेके प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लास्ट करो मेरे पिता, इनकी चिंता जाए, परेशानी जाए, डिप्रेशन जाए, नशा जाए, बंधन जाए, हर एक असफलता दूर होने पाए, हर एक निराशा दूर होने पाए, हर एक बंधन दूर होने पाए, हर एक बांझपन दूर होने पाए, हर एक संकट दूर होने पाए, हर एक व्यक्तियाँ दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इनकी रक्षा करें, ये ब्लेस्ड हों, ये आशीष हों। देखने वाले परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करो, इन्हें ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ये ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से मेरे पिता। दया करो मेरे पिता, आपकी कृपा पर बनी रहे मेरे पिता, ये फलवंत रहे मेरे पिता, ये आशीष रहे मेरे पिता। दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राज्यों का राजा प्रभु प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम हान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, 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 इनकी प्रार्थना को सुनो, इनकी प्रार्थना को उत्तर दो मेरे पिता। जो लोग कहते हैं मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है मेरे पिता, जो आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी प्रार्थना को उत्तर दो, इन्हें ब्लेस
करो, इनके घर के हालात बदले और ये ब्लास्ट हों, हर एक कमी घटे दूर होने पाए और ये ब्लास्ट होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन्हें ब्लास्ट करो।